करती हूँ। आज मैं आप सबको मात्राएं सिखाऊंगी। व्यंजनवर्णों का उच्चार अ स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। सभी व्यंजन के उच्चार में अ मिला हुआ होता है। अब सोचो कि जब व्यंजन के साथ किसी स्वर को जोड़ना हो तो किस प्रकार जोड़ेंगे हम? ऐसे करने से स्वरों को मात्रा के रूप में लिखा जाता है, यानी कि कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण हो, उसका उच्चार अ से होता है। अ के सहायता के बिना कोई भी व्यंजन नहीं होता है। तो और आओ अब हम देखें कि स्वर कैसे मात्रा से मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको आ की मात्रा के बारे में बताऊंगी, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर की चिन्ह, स्वर के चिन्ह, व्यंजन के साथ स्वर के चिन्ह, यानी कि क के साथ जब अ मिलता है, यानी कि व्यंजन के साथ जब अ मिलता है तो स्वर की मात्रा में का हो जाता है। क के बाजू में का हो जाता है, यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड है के डबल ए, यानी कि का। स्वर की मात्रा जब अ किसी व्यंजन के साथ मिलता है, आ किसी व्यंजन के साथ मिलता है, तो उसका चिन्ह, स्वरों का चिन्ह, यानी कि मात्राओं का पता चलता है। जैसे ही सबसे पहले मात्रा में आज आपको आ के बारे में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे मैंने चित्र दिया है, उस चित्र में सबसे पहले कार है, तो कार, तो उसमें कुछ मात्रा लिखी है, यानी कि क प्लस अ, यानी कि क के बाजू में जो मात्रा है उससे कार बनता है। फिर अनार, उसके बाद में छाता, छ के बाजू में भी मात्रा है और त के बाजू में मात्रा है, यानी कि आ की मात्रा आपको पहचाननी है। उसके बाद में, उसके बाद में तबला, तो त व ला, ल के बाजू में जो मात्रा है वो आ की मात्रा है, यानी कि मैं आज आपको आ की मात्रा की पहचान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कई वर्ड्स लिखे और उन वर्ड्सों को आपको पढ़ना है और मात्राएं समझनी है कि इन वर्ड्स में कौन सी मात्रा आई है। सबसे पहले नाम, तो ये वर्ड्स आपको पता है, ये व्यंजन आपको पता है, न है, फिर उसके बाजू में म है, पर यहाँ पे जो दिखता है वो आ की मात्रा है, यानी न के बाजू में आ की मात्रा लग जाने से ना बन जाता है, तो ना म ऐसा हम पढ़ते हैं। और ये सब वर्ड्स आपको पढ़ने हैं और अच्छे से राइटिंग में लिखने भी है। उसके बाद में श है और म है, तो श के बाजू में कौन सी मात्रा आई? आ की मात्रा आई, यानी कि श प्लस अ, यानी बन जाता है आ। श प्लस अ यानी बन जाता है आ वाला मात्रा, तो श के बाजू में मात्रा आई तो शा बन जाएगा, श्याम। फिर छ के बाजू में मात्रा है, देखो आ वाली, तो झाल, यानी झाला। कुछ भी यहाँ पे अगर मात्रा नहीं है तो झाल बन जाएगा, अगर मात्रा है तो झाला ऐसे बन जाएगा। फिर च के बाजू में आ की मात्रा है, झाला।
के पास में देखो आ की मात्रा यहाँ पे दिखती है, तो बा दो लो, फिर ह म ला। द के पास में यहाँ पे जो मात्रा दिखाई है वो आ की मात्रा है, दाम माला पालक अपना। तो यहाँ पे आप सबको मात्राएं दिखती है, तो वो मात्राएं आप सबको आ की मात्रा का परिचय दिखा रही है, आपको समझा रही है कि कोई भी मात्रा यानी कि व्यंजन वर्णों का उच्चार और स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, और कोई भी व्यंजन हो उनको स्वर की सहायता से मात्राएं मिलती है और वर्ण शब्द बनते हैं। तो आज हम आ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि माला, आया, खाना, पाया, गाना, फिर राजा, छाना, बाजा, ऐसे कई वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे आज। ओके, चलो अब आगे ये यूनिट में आप सबको आज आ की मात्रा का यूनिट में आप सबको समझाने वाली हूँ, और ये सब आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है और पढ़ना भी है, और मात्रा की पहचान भी आप सबको करनी है। आज हम एक कविता यहाँ पे पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ पे एक चित्र दिया है, इस कविता के अनुसार यहाँ पे एक चित्र है। तो वहाँ पे कई बच्चे खेल रहे हैं और बारिश भी आ रही है, कई बच्चे छाता लेके घूम रहे हैं, छाता हवा में उड़ रहा है, बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। वैसे ही बादल यहाँ पे बहुत काले हो गए हैं, तो बारिश का मौसम है। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक पोयम लिखी है, तो रीड दिस पोयम। तो चलो आज हम कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैंने यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार ये कविता है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बारिश के बारे में। तो काले काला काला बादल आया, काला काला बादल आया, यानी कि इस चित्र में बादल की रचना की है, और बादल इतने काले हैं कि वो हमें ऐसा सूचित कर रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा आएगी, जोर की आएगी बारिश। काला काला बादल आया, छम 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 जल बरसाया, यानी कि ये जो बादल है ये बादल जल बरसा रहा है और बारिश दे रहा है, बारिश का मजा बच्चे लोग ले रहे हैं। तो वो बारिश की आवाज कैसी है, तो छम 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 करके जल बरसा रहा है। राजा झटपट नाव लाया, यहाँ पे जो एक लड़का है वो है राजा, यानी उसका नाम राजा है। राजा झटपट नाव लाया, अपना तबला बजाया, यानी कि बच्चे यहाँ पे पानी के साथ खेल रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। सचमुच के तबला नहीं बजा रहे, यहाँ पे जो पोयम से वहाँ पे ऐसे कहा गया है कि बच्चे जो बारिश आ रही है उसमें इतने खुश है कि बारिश का मजा ले रहे हैं। जो बारिश का पानी आ रहा है उस पानी में वो ऐसे खेल रहे हैं, यानी कि तबला बजा रहे हैं। राधा झटपट बाहर आ, एक लड़की है उसका नाम राधा है, तो राधा को ये लोग बोल रहे हैं कि राधा जल्दी से बाहर आ, ये देख कितनी अच्छी बारिश है, कितना अच्छा मौसम है।
बाहर आकर नाच जरा। ये एक लड़की को बोल रहे हैं कि राजा तू भी बाहर आ और बाहर आकर नाच जरा, कि तू भी बारिश का मजा ले। बारिश जब आती है तो मोर बोलने लगते हैं, बादल काले हो जाते हैं और सारा जितना एनवायरनमेंट है वो सब बहुत अच्छा लगने लगता है। पवन भी ठंडी आ रही होती है, तो यहाँ पे काले बादल जो बारिश लेके आए हैं उनका वर्णन किया है इस पोयम्स में। तो बच्चों यहाँ पे बारिश आ रही है और बच्चे लोग उस बारिश में खेल रहे हैं, वैसा यहाँ पे वर्णन किया है। तो आज हम सब इस कविता का मतलब समझे हैं और आप सब अब इस कविता को मेरे साथ पढ़ेंगे। चलो मेरे साथ पढ़ोगे ना सब लोग? ओके। काला काला बादल आया, चलो मेरे साथ बोलो। काला काला बादल आया, छम 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 जल बरसाया। राजा झटपट नाव लाया, तब तब अपना तबला बजाया। राजा झटपट बाहर आ, बाहर आकर नाच जरा। राजा झटपट बाहर आ, बाहर आकर नाच जरा। यानी कि सब बच्चे हैं, ये सब लोग जो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो सब काले बादल जो आए हैं बारिश करने के लिए, उनका बारिश की मजा ले रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि बादल यहाँ पे कौन से रंग के हैं, किस रंग का बादल आया है। तो काले रंग का बादल आया है। राजा झटपट क्या लाया है, देखो तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उनमें देखो राजा क्या लाया है। तो राजा झटपट यानी जल्दी से नाव लाया है। बाहर आकर ये लोग किसको नाचने के लिए बोल रहे हैं, बाहर आकर ये लोग जो लड़की है राधा उनको नाचने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि राधा झटपट बाहर आ, बाहर आकर नाच जरा। यानी कि राधा को बाहर आने के लिए बोल रहे हैं और नाचने के लिए बोल रहे हैं और बादल के रंग काले हैं। तो यहाँ पे मैं इस कविता को आपको मैंने समझाया, तो आपको इस कविता को पढ़ना है और अच्छे से राइटिंग में लिखना भी है। नमस्ते।